मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी शोर बुलंद हो रहा है। मामा शिवराज से ताज छीनने के इरादे से सपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश की उन सीटों पर चुनाव प्रचार में जुटे हैं जहां उन्हें जीतने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन इसी चुनावी यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ है जिसने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को अलर्ट कर दिया है, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े सूबे के पूर्व सीएम और देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी में शुमार सपा के मुखिया की सुरक्षा का सवाल है। मध्य प्रदेश के अजयगढ़ के पन्ना विधानसभा की इस घटना की एक तस्वीर समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर को गौर से देखिए। अखिलेश यादव हैं और सामने मीडिया की भीड़ जुटी है। तमाम छोटे बड़े न्यूज चैनल के पत्रकार के बीच मौजूद इस लाल टी शर्ट पहने और आंखों पर काला चश्मा लगाए शख्स को लाल सर्किल में घेर समाजवादी पार्टी ने इसे आपराधिक किस्म का संदिग्ध व्यक्ति बताया है। इस तस्वीर के साथ समाजवादी पार्टी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, मध्य प्रदेश के अजयगढ़ में पन्ना विधानसभा की सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रेस वार्ता में पत्रकार के भेष में पहुंचा आपराधिक किस्म का संदिग्ध व्यक्ति। मध्य प्रदेश पुलिस जांच करे और बताए ये अपराधी प्रेस वार्ता में कहां से आया। अब सवाल तो ये है कि अगर ये क्राइम हिस्ट्री वाला शख्स है तो इसकी पहचान क्या है। एमपी पुलिस को पहले तो तत्काल इसकी जांच करनी चाहिए। अगर इसकी क्राइम हिस्ट्री है तो ये पत्रकार के भेष में किस इरादे से आया था और ये अखिलेश यादव से महज दो हाथ की दूरी तक कैसे पहुंच गया। एमपी में चुनाव आचार संहिता लागू है और सूबे में 17 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ऐसे में इस संवेदनशील घटना की गहनता से जांच करने की समाजवादी पार्टी मांग कर रही है। एमपी पुलिस ने भी शायद इसकी तफ्तीश शुरू कर दी हो। जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।